हाँ जी मुस्लिम क्रिश्चियन बिंदी का भाई मतलब क्या है बाबा? मुस्लिम क्रिश्चियन बिंदी बिंदी का नहीं, मुसलमान और क्रिश्चियन बिंदी लगाते हैं नहीं, हाँ मतलब मुस्लिम क्रिश्चियन क्यों बोला? वो तो बिंदी नहीं लगाते, क्योंकि वो देह अभिमानी है, पूरे आत्माभिमानी नहीं बनते हैं। आत्माभिमानी न बनने के कारण पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं बनते हैं, बाद में आते हैं। देह अभिमान की रावण राज्य की दुनिया में आते हैं, तो वो बिंदी क्यों लगावेंगे? वो आत्मा है ही नहीं। और ब्राह्मण की दुनिया में मुंबई और दिल्ली दोनों बहुत बड़ी और बहुत बड़ी दिल्लियां हैं, दोनों तैयार है बोलते बाबा ने, एक क्या बोला दोनों तैयार है, दोनों दिल्लियां तैयार है मुंबई और दिल्ली ब्राह्मणों की दुनिया में। बम्बई और दिल्ली के बारे में दो बिल्ले तो नहीं बताया, हाँ ये है कि एक बहुत लड़ने वाला है और एक बहुत देहहंकारी है। दिल्ली है देहहंकारी, और बंबई है बहुत लड़ंकी। ऐसी लड़ाई लड़ती है जो बंबई को बोला है विनाशकारी, जैसे कोई क्रोध में आते हैं तो अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगते, अपने घर में ही आग लगा देते हैं, ऐसे ही ये भारत में दो बिल्ले हैं। एक है माया का रूप और एक है प्रकृति का रूप। प्रकृति भी जब तमो प्रधान बनती है तो अति की देह अभिमानी बन जाती है, अति की अहंकारिणी बन जाती है। जैसे रशिया और अमेरिका, रशिया के रशियंस देहंकार में आकर के एटमिक एनर्जी का निर्माण कर लेते हैं, और अमेरिका जब क्रोध में आवेगी तो सारी दुनिया का संहार की निमित्त बन जावेगी। ये क्रिश्चियंस के ही दो रूप हैं, एक है क्रोधी और एक है अहंकारी। परंतु दिल्ली को स्थापनाकारी बताया है, और बंबई को विनाशकारी बताया है। की दुनिया में एटम बम विनाश के कारण बनते हैं, परंतु बेहद की दुनिया में
आत्मा ही एटम है। और बड़े से बड़ा एटम बम है क्या? परमात्मा बम। ये परमात्मा बम जब फटेगा तो उसका रिजल्ट क्या आवेगा? पुरानी दुनिया आवेगी या नई दुनिया आवेगी? नई दुनिया आवेगी। ऐसे ही वो हद के बम हैं, उनमें भी बड़े से बड़ा एटम बम जब फटेगा तो रिजल्ट क्या होगा? है, नई दुनिया आ जाएगी। इसलिए बोला कि दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। क्रोध से विनाश होता है, और अहंकार दो तरह का होता है। अहंग माने मैं आत्मा, और फिर अहंग माने मैं देह। जब देह का अहंकार होता है तो विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद देह का अहंकार खलास होता है तो क्या बचेगी? आत्मा ही बचेगी। हाँ, चैतन्य में ब्राह्मणों की दुनिया में माया ने प्रकृति से हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया? है, तो माया का रूप, उसका फाउंडेशन स्थान कौन सी नगरी है? है? नहीं, माया की नगरी है बंबई, और देह अभिमान की नगरी है दिल्ली। ये दिल्ली ही शहर है जहाँ हर प्रकार के देह अभिमानी धर्म ने, धर्मावलंबियों ने राज्य किया है। और ब्राह्मणों की दुनिया में ही सब प्रकार की शूटिंग होती है, सब ब्रॉड ड्रामा में होता है। यहाँ शूटिंग नहीं होगी तो ब्रॉड ड्रामा में भी नहीं होगा। बाबा ने बताया माया अनेक रूप में आती है, और माया बेटी पहले सरेंडर होती है। तो उसे बेटी क्यों कहा? अरे, बेटा हो या बेटी हो, अनेक रूप धारण नहीं कर सकते क्या? ड्रामा में खेल खेलते हैं तो अनेक रूप धारण करते हैं ना।
अनेक रूपों में भी माया ऐसा पार्ट बजाती है कि दूसरों को पक्का विश्वास हो जाता है। माया के ऊपर विश्वास हो जाता है और भगवान की बातों पर अविश्वास हो जाता है। तो फिर ये क्यों कहा कि माया बेटी पहले सरेंडर होती है? कब तक सरेंडर नहीं होती और कब सरेंडर हो जाती है? तब तक सरेंडर नहीं होती जब तक उसका एक भी फॉलोअर बचता है। अब जब कोई फॉलोअर नहीं बचता तो वो पहले पहले सरेंडर हो जाती है। यहाँ बचना माना तो वो पहले बाप को सरेंडर होना है ना, तो माया फिर पहले पहले कैसे सरेंडर? पहले पहले इसलिए सरेंडर होती है कि माया जानती है कि मैं एक सेकंड का भी अगर दूसरों को मौका दूंगी तो वो पहले मौका ले लेंगे, इसलिए कोई मौका नहीं देती। माया ही आगे जाती है। और आगे क्यों जाती है? क्योंकि माया को जो सर्विस मिली हुई है बाप से, उस सर्विस में वो 100% मुस्तैद रहती है। क्या सर्विस मिली हुई है? जो बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब अटकाओ। इस सेवा में माया से ज्यादा मुस्तैद कोई भी नहीं। जो पक्के और सच्चे सेवाधारी होते हैं वो ही पुरुषार्थ में आगे जाते हैं। हनुमान की पूंछ को काम विकार की निशानी बताया, इसका बेहद का अर्थ क्या है? कोई भी जानवर हो, कोई भी मनुष्य हो, उनकी पूंछ कहाँ होती है? ऊपर होती है या नीचे होती है? पांव में या कमर में होती है? कहाँ होती है? कमर में ही पूंछ होती है। कोई की पूंछ बहुत मुलायम होती है, और कोई की पूंछ बहुत हार्ड होती है। मोर की पूंछ कैसी होती है? बहुत मुलायम होती है। तो जो मुलायम पूछे है
वो सुखदायी होगी। या हार्ड पूछ है वो सुखदायी होगी या दुखदायी होगी? हार्ड पूछ दुखदायी होगी और मोर की पूछ सुखदायी होगी। हनुमान की पूछ बंदर की पूछ है। बंदरों में भी दो प्रकार के बंदर होते हैं, एक कामी की निशानी है काले मुंह वाले और एक क्रोधी की निशानी है लाल मुंह वाले। ज्यादा हार्ड पूछ किसकी होती है और लंबी किसकी होती है, लाल मुंह वाले की या काले मुंह वाले की? है लाल मुंह वाले की। काले मुंह वाले लंगूर की पूछ बहुत हार्ड भी होती है, वो अपनी पूछ से ही पेड़ पर लटक जाता है, झूला झूलता रहता है, इतनी मजबूत पूछ होती है। तो उनको काला मुंह दिखाया गया है। जो बहुत कामी होते हैं वो काले मुंह वाले हो जाते हैं। कम कामी होंगे तो लाल मुंह होगा। मनुष्यों में भी इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म क्या अंतर है? है कौन बहुत कामी होते हैं? इस्लामी बहुत कामी होते हैं। कैसे मुंह वाले होते हैं? है काले मुंह वाले लंगूर। और क्रिश्चियंस लाल मुंह वाले होते हैं। तो जब विनाश का टाइम आता है लाल मुंह वाले बंदर काले मुंह वाले से डरते हैं या काले मुंह वाले लाल मुंह वाले से डरते हैं? आतंकवादी कौन बनते हैं ज्यादा? है क्रिश्चियंस काले मुंह वाले ज्यादा दुखदायी बनते हैं। गीता में भी कहा है काम और क्रोध नरक के मूल है। उन दोनों में भी सबसे जास्ती नरक की जड़ कौन है? काम विकार। तो काम विकार की इंद्रिय को पूंछ बताया है। बाबा की भाषा अश्लील नहीं होती है। सीधी सीधी भाषा होगी या कवियों की भाषा होगी? कवियों की भाषा है, इसलिए भक्ति मार्ग में ऐसे बोलते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, माने उनकी पूंछ में काम विकार की आग लगी ही नहीं। तो भी लंका जल गई, निशाचर भागे।
तेल बोरे पट बांध कर पावक दीन लगाए, वो पूंछ में जितने भी लंका में कपड़े थे सुंदर सुंदर साड़ियां, वो सारी साड़ियों में ज्ञान का तेल लिपटाई दिया, डुबाए दिया। ज्ञान के तेल में वो साड़ियां डुबोए दी, भिगोए दी, और भिगोए के हनुमान की पूंछ से बांध दी और काम विकार की आग लगा दी। लंका सारी जरे उठी, गए निशाचर भाग। कब भाग गए? जब भाग गए तो हनुमान ने ले जाके पूंछ को सागर में डुबो दिया। कौन से सागर में? ज्ञान सागर में डुबोया तो पूंछ की अग्नि शांत हो गई। अब ये हद की बातें हैं या बेहद की बातें हैं? बेहद की बातें हैं। और नॉलेज एक स्वप्न जैसा है, बोलते बाबा ने एक सीढ़ी बताया। कौन? यह नॉलेज एक स्वप्न बन जाता है। यह नॉलेज या स्वप्न बन जाता है। जब हम आत्मा बन जाएंगे, पूरे कर्म से समझना चाहिए है? इसको तो बुद्धि में समझना चाहिए, बाबा ने कहा। बुद्धि में गुह्यता से समझना चाहिए। क्या बात? ज्ञान एक स्वप्न बन जाता है। हाँ, जैसे स्वप्न बीती हुई बात हो जाती है। ये तो प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, ऐसे ही जब हम आत्मा बन जाएंगे, आत्म की स्थिति में 4.5 लाख आत्माएं स्थित हो जाएंगी, वैसे ही ये सारा ज्ञान स्वप्नबद्ध हो जाएगा। हम सिर्फ आत्मा रह जाएंगे, ज्योति बिंदु, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए बोला कि ये सारी नॉलेज स्वप्नबद्ध हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रायः लोप हो जाएगा। जैसे सपना देखते हैं उस समय तो लगता है सच्चा है, तो जब सपना पूरा हो जाता है, जाग जाते हैं, तो सब खत्म। ऐसे ही ये ज्ञान होगा। इसको ही हम स्वर्गीय संकट हम बता सकते हैं। इसको ही हम स्वर्गीय संकट बता सकते हैं। बाबा ने कहा कि 8-10 धर्म की आत्माएं चैतन्य में रहते हैं। हाँ, तो आत्म स्थिति में जो रहते हैं वो 8 पक्के हैं, बाकी जो रह गए ना वो जो वो 2 इससे भी ज्यादा बोल के बाबा ने कहा, इससे ज्यादा। 8 धर्म के जो हैं वो अष्ट देवों से कनेक्टेड हैं, इसलिए वो पक्के हैं। 8 ही पक्के देवताएं हैं, बाकी सब धर्मों से जो आती है वो सब प्रजा है। आर्य समाजी तो माला में आते ही नहीं, और नास्तिक भी जो भगवान को मानते ही नहीं वो माला में आते ही नहीं।
तो दो धर्मों को छोड़ दो, बाकी जो आठ धर्म हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सन्यासी और सिख, इनके फॉलोअर्स अच्छे अच्छे, वो सूर्यवंश में आ जाते हैं और आठ देवताओं के फॉलोअर्स बनते हैं। बाकी दो धर्म रह जाते हैं, एक अर्धनास्तिक आर्य समाज और दूसरा पूरे नास्तिक रशियंस। और चार धर्म है, बाबा ने चार मुख्य धर्म है, चार उनकी डालियां हैं, सहयोगी हैं, चार मुख्य धर्मों के चार सहयोगी हैं। जो षण्मुख है जिसका नाम कार्तिकेय है, सुब्रह्मण्यम स्वामी जिन्हें कहा जाता है, वो तो पूरा ही विधर्मी है, सन्यास धर्म लेता है, बाप का है प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, शंकर को प्रवृत्ति मार्ग का पक्का दिखाते हैं और कार्तिकेय को प्रवृत्ति का पक्का दिखाते हैं। नहीं, कार्तिकेय दक्षिण भारत को पूरा फॉलो करता है, उत्तरायण और दक्षिणायण, उत्तरायण मार्ग अच्छा माना जाता है, उत्तरायण में सूर्यवंश और चंद्रवंश आता है और दक्षिणायन के जितने मुख्य धर्म हैं उनको कार्तिकेय को फॉलो करने वाले हैं। छह मुख से बात करता है, कभी इस्लाम धर्म से बात करेगा, कभी बौद्ध धर्म की बात करेगा, कभी क्रिश्चियन धर्म की बात करेगा, छह मुख से छह प्रकार की बातें, इसलिए उनकी छह माताएं दिखाई गई हैं। छह माताओं की औलाद है, छह माताओं से पालना ली हुई है, वो विधर्मी माताएं हैं। ये छह धर्म कौन कौन से हैं? इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी और सिख। और वैकुंठ के एकादशी में उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं, उत्तर द्वार दक्षिण द्वार, तो इसका लिंकेज है जी, उत्तरायण श्रेष्ठ माना जाता है। हम बच्चे तो अभी दक्षिण भारत में है, तो बेर की देह दक्षिण भारत की है, आत्मा उत्तर और दक्षिण भारत की नहीं होती, आत्मा ने पता नहीं उत्तर भारत में कितने जन्म लिए होंगे, देह अभिमान में है तो हम कहते हैं हम तो दक्षिण भारत के हैं, फिर ऐसा समझने से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, लेकिन हम देह नहीं है, हम क्या है, हम तो आत्मा है, अगर आत्मा ना होते तो उत्तर भारत वालों से पहले हमने ज्ञान क्यों ले लिया, उत्तर भारत वालों ने ये ज्ञान पहले उठाया या दक्षिण भारत वालों ने उठाया, दक्षिण भारत वालों ने पहले उठाया, लेकिन आत्मिक स्थिति वाले हैं तो उठाया या देवान वाले हैं तो उठाया। मेरे बच्चे ही मेरे को पहचानते हैं। और
पूरा नास्तिक तो रशिया है ना, रशियंस पूरा नास्तिक है ना, तो स्थापना कार्य में रशिया भारत को सहयोग देगी बोलते हैं। जो नास्तिक है वो भारत को अंत समय में इसलिए सहयोग देते हैं, चोर चोर मौसेरे भैया, मौसेरा भाई भाई होता है कि नहीं, मौसी का लड़का भाई है हमारा या नहीं है, है? बाबा ने मुरली में बोला है बाप इस समय विदेशी बनकर के आया है कि स्वदेशी बनकर आया है, विदेशी बनकर आया है, और जिसमें आया है भारत में वो भारत के लिए बोला है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। तो नास्तिकों को कौन सहयोग देगा, है? नास्तिक ही सहयोग देगा या कोई दूसरा सहयोग देगा? रशिया ही भारत का सहयोगी है, और तो सब दिखावा करते हैं, और बेहल की मछली खाना, सो मछलियां तो सागर में तैरती है ना, सो बेहल की मछली को बेहद के सागर में तैरती होंगी, तैरती होगी बाबा, हद की मछली हद के सागर में, और बेहद की मछली बेहद के सागर में, तो बेहद का सागर कौन है, है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसमें शिव भगवान बाप प्रवेश करता है, वो है बेहद का सागर। जो बेहद का सागर है उसमें मछलियां भी बेहद की होंगी या एक प्रकार की होंगी, है? मछली के अनेक रूप हैं, लाल मछलियां, पीली मछलियां, काली मछलियां, रंगीन मछलियां, शातिर मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, व्हेल, सील जैसी मछलियां, मगरमच्छ जैसी भी, वो सारी सागर के पेट में समाई हुई है। उनमें विदेशी मछलियां भी हैं और स्वदेशी मछलियां भी हैं। बंगाली ब्राह्मण बहुत मछली खाते हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश या राजस्थान के ब्राह्मण मछली नहीं खाते हैं। तो जो बंगाली ब्राह्मण मछली खाते हैं उनका बाप भी वैसा ही होगा। बंगालियों का बाप कौन? अरे एक ही शहर है, जहां विश्व के बाप की यादगार है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ एक विश्व है, इस झाड़ का बाप कौन है, वो कहां से आता है, है? कलकत्ता में ही बनी एंट्री यादगार बनी हुई है, वो बीज बाप वहीं से मिला हम बच्चों को,
तो जो भी बंगाली हैं वो बहुत मछली खाने वाले हैं, और पश्चिमोत्तर भारत के जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें ये मान्यता है कि अपनी कन्या की शादी पूरब दिशा में ही करेंगे। पूरब दिशा के ब्राह्मण भले बंगाली ब्राह्मण हो, मछली खाने वाले हो, तो भी उनको ऊंचे समझते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं मुरली में, तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो योग बल से, तो क्या भोजन को पवित्र नहीं बना सकते? बना सकते या नहीं बना सकते? बना सकते। तो बंगाली मछली खाने वाले हैं, वो अगर पक्के योगी बन जाए तो भोजन का उनके ऊपर असर पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा। आगे यह बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग, यह बाबा जो 1968 में तो, लेकिन ये बैज में समझाने की बात बताए रहे। हाँ, बैज में तीन मूर्तियां बैठी हुई हैं। उन तीन मूर्तियों में से एक शरीरधारी को बाबा कहा। उस बैज में जो शरीरधारी को दिखाए हैं वो शरीरधारी एक्चुअल बाबा बनने करा के लिए, ब्रह्मा को बाबा कहना योग्य नहीं है। ब्रह्मा को बाबा कहना की बात नहीं, वो तो बूढ़ा है इसलिए बाबा का। ब्रह्मा बाबा नहीं है। वास्तव में जो तीसरी मूर्ति है जिसमें शिव प्रवेश करके साकार में निराकार रूप धारण करते हैं, वो साकार और निराकार का मेल ही बाबा है। वो बाबा इन ब्रह्मा द्वारा, जो भी ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं चार भुजाओं वाले, उन्हें के द्वारा कार्य कराते हैं। और किसी ने पूछा है, कहा जाता है मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, अर्थात विजयमाला के फूल न मिले, वैश्विक ब्राह्मणों की दुनिया से, तो रुद्रमाला के कांटों से दोस्ती कर ली। योगिनी माँ को तीन देवियों से भी पवित्र क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि योगिनी माता शरीर से पुरुष है या स्त्री चोला है? है स्त्री चोला है। एक
पुरुष चोले जो होते हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है। स्त्री चोले के लिए ये नहीं कहा कि दुर्योधन दुशासन सब है। दूसरी बात, स्त्री चोला होते हुए भी वो शादीशुदा माता है या कन्या है? क्या है? कन्या है, इसलिए भी पवित्र है। दूसरी बात, अष्टदेवों में पहला देव जो महादेव है उसके बाद किसका नंबर आता है? है? किसका नंबर आता है? योगिनी माता का ही नंबर आता है, इसलिए भी पवित्र है। परंतु प्रश्न ये होता है कि बाबा ने तो कहा है कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, तो क्या योगिनी माता कांटा है? जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो सतयुग और त्रेता में राजाएं बनते हैं या नहीं बनते हैं? है? बनते हैं, सतयुग त्रेता में ही राजाएं बनते हैं कि द्वापर कलयुग में भी राजाएं बनते हैं? रावण राज्य में राजा बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। रावण राज्य में जो राजाएं बनते हैं उन राजाओं में बड़े राजा और छोटे राजा होते हैं या नहीं? जितना बड़ा राजा रावण राज्य का होगा, हिस्ट्री में दिखाया है कि उतनी ही ज्यादा रानियां दिखाई गई। तो ज्यादा रानियां होने से ज्यादा पतित बनेगा या कम पतित बनेगा? ज्यादा कांटा बनेगा या कम कांटा बनेगा? तो बड़े से बड़ा कांटा तो वो प्रसिद्ध हो गया। कौन? प्रजापिता। फिर दूसरे नंबर का कोई कांटा है कि नहीं? कौन? योगिनी। जितना बड़ा पवित्र राजा सतयुग त्रेता का, उतना ही बड़ा द्वापर कलयुग में अपवित्र राजा बनता है। बड़ा अपवित्र बनेगा तो बड़ा कांटा भी बनेगा, इसलिए बोला कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अंतिम जन्म में, कलयुग के अंतिम जन्म में, 84वें जन्म में वो आत्मा बहुत दुख भोगती है। कौन? जो द्वापर कलयुग में बड़े बड़े राजा बनते हैं वो अंतिम जन्म में जाकर के बहुत दुख भी भोगते हैं। ये दुख भोगना ही कांटेपन की निशानी है। जो फूल होगा जन्म जन्मांतर का वो अंतिम जन्म में दुख भोगेगा या औरों के मुकाबले जास्ती आराम में रहेगा? आराम में रहेगा। परंतु ये दोनों ही मणके, रुद्रमाला के आदि वाले दो मणके अंतिम जन्म में बहुत दुखी होते हैं। तो बहुत दुख भोगते हैं। जो जाति दुख भोगता है अंतिम जन्म में,
वो भगवान को जल्दी पहचानेगा या देर में पहचानेगा? जल्दी पहचानेगा। और तो ये समझ सकते हैं कि जो जितना दुख भोग रहा है तो अंतिम जन्म में वो उतना उनसे पत पाता है, ऐसे समझ सकते हैं जो अभी दुख भोग रहे हैं। अभी नहीं, पिछले कलयुग के जन्म में। अभी तो ज्ञान के आधार पर बहुत सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? हैं? बहुत सुखी समझना चाहिए। हाँ, बहुत सुखी है इसलिए सुखी रास्ता बता सकते हैं। बहुत सुखी है इसलिए सुखी रास्ता बता सकते हैं। हाँ, संगम युग है, मौजों का युग। तो मन से मौज मनानी है या तन की मौज मनानी है? हैं? तन से खीर पूड़ी खा करके रहना है, 36 प्रकार के भोग लगा के खुशी मनानी है या मन की मौज मनानी है? मन की मौज मनानी है। मन के संकल्पों से ही संगम युग में शूटिंग होती है। और नवाज मुरली ने कहा है कि व्यापार में भी ग्रहचारी होता है, हाथ पे लगी होना है, है। तो ग्रहचारी ये पश्चिम का जो अंधविश्वास कह सकते हैं है। तो ये क्यों मुरली ने कहा कि बाबा यहाँ भी तो नौ ग्रह है। तो जो नौवां ग्रह है वो वैल्यू लेस है, उस वैल्यूलेस के ग्रहचारी में आना चाहिए, प्रभाव में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना, लेकिन आते हैं। जब वैल्यूलेस के प्रभाव में आ जाएंगे तो शूटिंग नीचे से नीची होगी या ऊंची शूटिंग होगी? नीची शूटिंग हो जाती है। वहां जड़ रत्न है नौ भक्ति मार्ग में, और यहाँ यहाँ वो चैतन्य नौ रत्न है। तो ऊंचे से ऊंचे के प्रभाव में रहना चाहिए। जो बहुत वैल्यूबल रत्न है हीरा, उसके प्रभाव में रहना चाहिए, उसकी दशा में रहना अच्छा है या नीचे वैल्यूलेस रत्न की दशा में जाना अच्छा है? है? किसका संग का रंग लगना चाहिए? ऊंचे से ऊंचे का संग लगना चाहिए। तो ऊंचे से ऊंचा रत्न है बृहस्पति, दुनिया का बड़े से बड़ा पति। बृहस्त माने बड़ा, पति माने पतियों का भी पति। वो देवताओं का गुरु माना जाता है। ऊंचे से ऊंची और अच्छी से अच्छी दशा है बृहस्पति की दशा। उसके संग के रंग में आना, उसके प्रभाव से प्रभावित होना, ये सारे संगम युग की शूटिंग अच्छी बना देता है। और ये कह रहे कि दिन प्रतिदिन नया पॉइंट आ जाता है, हाँ? और पुराने पॉइंट्स का क्या करेगा? जो बेसिक में पॉइंट्स पढ़े थे वो पुराने हो गए या नए हैं? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, पुराना हो गया या नया? उसमें से नया ज्ञान क्या निकला? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ये बेसिक ज्ञान, परंतु इसमें से नई बात क्या निकली अभी? हाँ, एक व्यापी कहाँ है? परमात्मा सर्वव्यापी तो नहीं है, ये बात ठीक। तो एक व्यापी बताना है। अगर एक व्यापी साबित कर दिया तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो वैल्यूलेस हो गया। और
आपका आधा बच्चों में प्रवेश करके सेवा करने के बाप हुआ मत का बाप बेटे पिता और दादा हुआ दादा लेखा तो कृष्णवादी आत्मा ने बाप को अब तक नहीं पढ़ाया जाना तो कैसे सेवा करेंगे बच्चों में रुद्रमाला के मार्ग में आत्मा में प्रवेश करके कैसे सेवा करेंगे बच्चों ने सभी बच्चों ने कृष्ण बच्चे की बात छोड़ भी दो सभी बच्चों ने पूरा पहचान लिया या अधूरा पहचाना ऐसे ही कृष्ण की आत्मा भी पूरा पहचान लिया या अधूरा पहचाना अधूरा पहचाना तो जब पहचानती है तो सर्विस करती है और जब नहीं पहचानती अनिश्चय बुद्धि बनती है तो डिसर्विस करती है। सभी बच्चों का यही हाल है तो कृष्ण बच्चे का भी यही हाल है लेकिन तो सर्विस में कुछ फायदा नहीं निकलता है ना अधूरे से पहचानने के कारण सर्विस में हाँ भी है और ना भी है। श्रीमत के अनुकूल जब सर्विस होती है तो सतयुग त्रेता की शूटिंग होती है और जब मनमत और मनुष्य मत के आधार पर हम सर्विस करते हैं देह अभिमान की सेवा करते हैं तो कहाँ की शूटिंग होती है द्वापर और कलयुग रावण राज्य की शूटिंग करते हैं कृष्ण के लिए भी ऐसा ही है वो भी मनमत देने की संभावना है क्या कृष्ण वाली आत्मा पढ़ाई नहीं पढ़ रही है जैसे हम पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रही हमारी रावण राज्य की शूटिंग भी हो रही है और साथ साथ राम राज्य की भी शूटिंग हो रही है उस आत्मा की भी शूटिंग हो रही है सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में कौन आता है ब्रह्मा की सोल आती है हम बच्चे तो फिर भी निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के चक्र में कम आते हैं परंतु ब्रह्मा की सोल कृष्ण की सोल हमारे मुकाबले सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है और तो बाप तो ये हुआ दादा का सर्विस तो बाप का सर्विस तो अभी तो बाप बाहर यानी है तो जब शिव समान बन जाता है तब सर्विस करता है बच्चों में प्रवेश करके या अभी भी कर सकता है जब तक आत्मा संपूर्ण नहीं बनी है तब तक दूसरों में प्रवेश करके सर्विस नहीं कर सकती संपूर्ण अल्पकाल के लिए बनी है तो अल्पकाल की सर्विस करेगी और संपूर्ण दीर्घकाल के लिए बनी है तो दीर्घकाल की सर्विस करेगी अल्पकाल की सेवा में तीव्रता भी देखी जाती है कितनी तीव्रता है आत्मिक स्थिति में टिकने की जितनी तीव्रता होगी उतना जल्दी रिजल्ट निकलता है और जिसको 100% निश्चय हो जाता है, है? उसका तन मन धन ईश्वरी सेवा में अर्पण हो जाता है और अब तक किसी को भी 100% निश्चय नहीं है तो जो नए नए आत्माएं जो निकलते हैं कोर्स लेते हैं वो निश्चय पत्र देने में क्या साधक पुरानियों का क्या है निश्चय पत्र देने में पुरानियों में भी नंबर वार है नयों में भी नंबर वार है जैसे पुरानों में निश्चय पत्र लिख करके देने वाले ऐसे बहुत हैं जो लिख करके तो दे देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में जीरो ऐसे नयों में भी हो सकते हैं निश्चय पत्र कागज पर लिखा हुआ रह जाता है और प्रैक्टिकल में निश्चय पत्र लिखने के तुरंत दूसरे जन जाकर के विकार में गिर पड़ते हैं
तो नयों में भी अच्छे से अच्छे हैं और बुरे से बुरे हैं, और पुराणों में भी अच्छे से अच्छे हैं और बुरे से बुरे हैं। लेकिन बिना बाप के संग के रंग में आने से, बिना संमुख बैठने से, उसको ऐसा निश्चय उतना कम समय में कैसे आने की संभावना नहीं है ना बाबा? निश्चय पत्र लिखकर देने की संग का रंग बुद्धि से देखा जाता है या कर्मेंद्रियों से देखा जाता है? बुद्धि से देखा जाता है। 63 जन्म जो लगातार संग के रंग में रहा होगा हीरो पाटधारी के, वो इस जन्म में शरीर से संग का रंग न होते हुए भी बुद्धि से संग रह सकता है या नहीं रह सकता है? है? रह सकता है। मिसाल, कोई मिसाल है? नहीं। अरे है छोटी माँ संग के रंग में नहीं है प्रैक्टिकल में, तो भी बुद्धियोग से जरूर संग रहता है। 84 जन्म का हिसाब किताब है तो 84 जन्म के हिसाब किताब की शूटिंग इस समय संगम युग में होती है। ये बुद्धियोग की बात है, तन की बात नहीं है। नरसिंह स्वामी, नर माने मनुष्य, सिंह माने शेर। मनुष्यों में ये जो दुनिया का मनुष्यों का संसार रूपी जंगल है, इस संसार रूपी जंगल में मनुष्यों के बीच जंगल के राजा शेर के समान है, वो है नरसिंह स्वामी। जैसे जंगल का राजा शेर जंगल में दहाड़ मारता है, उस दहाड़ को जो भी सुनते हैं वो सब प्राणी हिल जाते हैं, ऐसे ही जो नरसिंह स्वामी के रूप में संसार में प्रसिद्ध होने वाला है, उसके मुख की आवाज सुन करके सब सहम जाते हैं, उसको कहते हैं नरसिंह स्वामी। और जिसका नाम ही है नारायण, नार माने जल और आयन माने घर। जिसका घर ज्ञान रूपी जल में है, अर्थात ज्ञान जल में ही सदैव निवास करता है, वो नारायण है।
तो ज्ञान उस समय रहेगा या उड़ जाएगा? रहेगा। और ज्ञान नंबरवार रहेगा कि सबके अंदर एक जैसा रहेगा? नंबरवार रहेगा। तो नंबरवार नारायण है, एक जैसे नारायण नहीं है।